है वाह जी वाह। और सर जी पूरा छत्ता बन गया है, पूरा डिजाइन नजर नजर पे आता निकल जा रहा है जी। अब सर रोशनी डालें, वो पहले जरा हमारा इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। तो इसमें जो है ना शायद को सेंटर में रख के, तो आपने चिल्ड वाटर बड़े स्लोली इस तरह के, ताकि वो जो शायद है वो डिस्टर्ब ना हो, हिले ना। ठीक है। उसके बाद इसको एक ही साइड पर रोटेशन में रखना है। ठीक है। और जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा शायद उसमें डिजॉल्व होता जाएगा। ठीक है। एंड पर आपको अगर ये खालिस है ठीक है, तो शहद की मक्खी का छत्ता बन जाएगा। अच्छा। अगर वो बड़ा बनेगा तो बड़ी मक्खी का, अगर छोटे बनेगा तो इसका मतलब। अच्छा, ये भी जज हो जाएगा कि छोटी मक्खी का बड़ी मक्खी का। अच्छा माशाल्लाह। ठीक हो गया जी। ठीक है। अच्छा ये जो आपने किया है सर, थोड़ा क्वांटिटी बता सकते हैं कि कितना पानी और कितना टेस्ट करने के क्या चीज़ें? हस्बे जरूरत उसके जितना शहद के रखा है उसको डिप करना है, सिर्फ बहुत ज्यादा नहीं डालना है, सिर्फ ऊपर से उसको रोटेट करके, यानी जितना अंदर शहद डाला है वो डिप हो जाए पानी के अंदर, बस ज्यादा बस ये ज्यादा नहीं डालना। ठीक हो गया जी। जबरदस्त सर जी, कमाल हो गई है। उसकी शक्ल भी दे देखो ना उसको करीब से, ये देखो। ये देखो, ये देखो। ठीक है। अच्छा वो यार वो नीचे वो कोई चिट्टी चिट्टी चीज रखा नहीं, वो थले काली शहर थोड़ी सी और रिक्वेस्ट है कि इस पे रोशनी डाल दें कि क्या फायदे नुकसान आते हैं सर? ये नुकसान आपको शायद खालिस का पता चल जाएगा और आपके आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है। और इस शहद को जी जी अभी जैसे ये नाश्ता कर रहे हैं जी जी, इस शहद को आप पी लो, फिर इसका इसकी अफादियत जिगर के बारे में सोच देखो। अच्छा मैं इसको खाते ही देखा नहीं। खाली पेट इसको लेना है, वो मेरा शहद देना, ये मेरा नाश्ता है। खाली पेट ये ले लेना है, पी ले। अच्छा हाँ, बस ये इतनी देर डोज पीना है इसको। सर बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह जी, आपने शहद के ऊपर पूरी डिटेल बयान की है। अल्लाह ताला, मैं इधर बैठा शक्ल मेरी इधर है। जी सर, जी सर, जी सर जी, इस पर अपने बयानात दें सर जी। बस इसमें क्या बयान देना, बड़ा मुख्तसर सा जामा और बड़ा आसान तरीका है शहद को टेस्ट करने का। जी जी। जिसको भी जरूरत हो इस तरीके से करे। ठीक है। थोड़ा सा शहद आपने लेना है। ठीक है। उसकी एक ऐसा ऐसी प्लेट या ऐसी जगह, ठीक है, जिसमें वो टिक्की सी बन जाए। ठीक है। यानी ऐसा समझे कि बड़ा चम्मच चावल वाला, ठीक है, वो आपने रखना है। उस पे पानी इस तरीके से डालना है कि वो डिप हो जाए। ठीक है। और अगर प्लेट बड़ी है तो लाजमी बात आपको ज्यादा पानी लेना पड़ेगा, जो वॉल्यूम उसकी प्लेट का है। ठीक है। इतना रखना है कि वो शायद थोड़ा सा डिप हो जाए, ताकि आप जब रोटेट करें जी जी, तो पानी का टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ शायद अपने पानी जो है ना शायद खींचता जाएगा। ठीक है। लास्ट में जब डिजॉल्व हो जाएगा तो आपने देखना है नीचे आपको शहद की मक्खी का, ठीक है, वो छत्ता जाहिर हो जाएगा। ठीक है। अगर मक्खी का छत्ता जाहिर हो गया तो ये समझे ये खालिस है, अगर नहीं हो गया तो समझे ये ठीक नहीं है, वो खालिस नहीं है। सिंपल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।